जोब्रोज तो अपन लोग कैंप पे बोला आए हैं, तो फिर बैंगलोर पे अभी पहुंच गए हैं रात के 1:30 बजे और एकदम से अपन लोगों का वीकेंड पे प्रोग्राम बना है। वीकेंड पे कोलंबो जा रहे हैं पोकर खेलने। Updates. Thank you for tuning in and thank you for all the love for the first vlog. और जी के वाइब सबको पसंद आई है और मुझे मालूम चला है काफी लोग चिंतित हैं। दोपहर के 2 बजे तो हम उठ रहे हैं, कैसे तो कंपनी चलेगी, क्या होगा, सभी लोग बहुत ही चिंतित। अब अपन लोग कोलंबो जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि बड़े गेम चल रहे हैं वहाँ पे, जो टेबल्स हैं श्रीलंकन करेंसी में हो रहा है। श्रीलंकन करेंसी का कन्वर्जन 3.5 श्रीलंकन करेंसी टू 1 है। सारी बातें श्रीलंकन करेंसी में ही अपन लोग करेंगे। सी अपना कैसा रहता है, अपना बजट 5 लाख रुपए का अपने बजट रखा है गाइस। पोकर खेलने जाएंगे, मोस्टली अपन हारेंगे ही पैसे, भाई सीखने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कोशिश करेंगे नहीं हारें, बट 5 लाख तक मैक्सिमम हारने का बजट लेके चलते हैं अपन। ऑथेंटिसिटी और सच्चाई के ऊपर बेस्ड है। तो अब तो हम वैसे भी देश के तो बाहर ही है, भारत देश के बाहर है। मिनोक्सिडिल का गाइस मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा ये कैसे ड्रग है, आप लोग सर्च करके बताइए चेतन और मेरे को जरूरत बता रहे। क्या आप इरादे से आए हैं, जीतना कितना है, 1 लाख 5 लाख 10 लाख के जीतने की लाइफ में कोई अपर लिमिट, हारने की कोई अपर लिमिट, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस कितना लाए हैं आप, स्टॉप लॉस 5 का दिख रहा है यार, जितना जेब में रख के लाए हैं। ये रिस्की आदमी है तो भाई साहब आप जानते ही हैं, 6-7 चीजें मना है कि 10-15 कभी भी हार सकते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। आपका क्या क्या गोल है समीर, आपने पोकर के गोल्स में वीकेंड में क्या लेके चल रहे हैं, क्या क्या अचीव करना चाहते हैं? 50 लाख का स्कोर किया तो क्या ही फायदा है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? वाइब्स बहुत अच्छी है, मैं भाई को काफी मिस कर रहा हूँ, लेकिन हम दोनों लोग आज इंजी भाई की तरफ से लग रहे हैं किल करने वाले। Few moments later. रात के 11 बजे हैं गाइस, स्टैक अपडेट में आप लोगों को दे देता हूँ, अपन करीब करीब 5 लाख डाउन है, चेतन सिंह जीवन पे। ठीक है गाइस, अब हम मैक्सिमम अपना बजट, अब अपन ने डे वन के एंड में जो लर्निंग हुई है तो डे वन के अंदर ऐसा हुआ गाइस, मैं पहले 2 लाख का बाइन लेके बैठा, फिर वो 2 लाख के बाइन से अपन ने एस क्वीन पे एक एस पैर लगा था सामने वाले का एस किंग का, उसमें अपन ने माना नहीं कि उसके बाद एस किंग है, तो मेरा पूरा स्टैक उसमें चला गया। अब मैं जो बीच में डिस्कशन हुए और ज्यादा पोफंडर के साथ में मैं सीखा हूँ, अभी मैं डे टू के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने और बाय नहीं लिया, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था 1 मिलियन श्रीलंकन रुपीस का आज स्टॉप लॉस था। ओवरऑल ट्रिप का अपन ने 2 मिलियन बजट कर दिया है, अब इतनी सारी अपनी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल सैलरी से तो नहीं चल सकती है, तो अपन बोर्ड एप फ्लिप करेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ पैसे कमाएंगे, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए तो शायद यूट्यूब से भी पैसे कमाएंगे अपन लोग। ओके गाइस, डे टू पे लग रहा है हम लोग अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, 6:45 बजे हुए हैं, अब आज का सेशन हमारा नेक्स्ट डे का स्टार्ट होने वाला है। आज अच्छा रहा गाइस, अपन लोगों ने जो कल अपन लोगों ने सारी लर्निंग्स ली थी, डिस्कशंस करे थे, उसको आज अपन ने और अच्छे से इम्प्लीमेंट करा है। स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा डाइसी था, पहले सेशन के अंदर आई वाज प्लेइंग गुड, मेरा एक फ्लश लगा एस हाई फ्लश, बट उसी हैंड के अंदर सामने वाले का स्ट्रेट फ्लश हिट गया, so I was laughing, it's called as cooler,
ऐसे बैड बीट हो जाती है पोकर के अंदर. इवेंचुअली आई एंडेड द डे एट प्लस 2.2 मिलियन. सो दैट बेसिकली मींस कि भाई हमारा जो कल का 1 मिलियन का लॉस था वो भी हमने कवर कर लिया और अब हम 1 मिलियन प्रॉफिट में भी आ गए. डे 2 हो चुका है हमारे टेस्ट मैच का, 2 दिन और बचे हैं और अपना भी अब टारगेट है कि भाई 50 मिलियन अपन को नेट प्रॉफिट करना है. GM, GM, GM. Everyone, good morning. Good morning, boys. सुबह के 9 बजे हैं हम लोग. अच्छा बढ़िया डोसे का नाश्ता कर चुके हैं और डे 2 की एक बढ़िया ग्राइंड के बाद में जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द कैसीनो इन फ्रंट ऑफ द ओशन. अ गुड 10 मिनट वॉक टू आवर होटल. टफ ग्राइंड रही आज गाइस डे 3 की अपनी. काफी अच्छा रन चला, मैं टाइट ही खेल रहा था. वी रीच टिल 3.2 मिलियन डे के अंदर. जो अपना 12 घंटे का सेशन था, पहले 4 घंटे बाद में 2 मिलियन पे था, फिर अगले 4 घंटे बाद में टी सेशन जिसको हम कहते हैं सुबह 5 बजे के करीब आई वाज एट 3.2 मिलियन. बट सुबह 9 बजे एंड होते होते मैं बहुत ज्यादा थक गया था. उसके अंदर लोग भी थोड़ा सा अपने माहौल में प्रेशर डाल रहे थे. मैंने एक लास्ट कॉल, आई वाज जस्ट अबाउट टू कॉल बट एक ब्लफ के अंदर मुझे एक आदमी ने फोल्ड करा दिया और फिर मेरा यही था यार कि अपने कम से कम प्रॉफिट में तो है. मैंने आज का डे नेट 0 पे ही एंड कर दिया. मैं अगर वो एक कॉल कर देता तो अपने पास में 2 मिलियन और होते. बट आई एम प्लेइंग डिफेंसिव यार, मैं इतने टाइम बाद पोकर खेल रहा हूँ, शायद आगे और रेगुलर खेले अपन लोग. सिर्फ कल्चर के लिए हो रहा है गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. और बहुत यहाँ पे डिबेट हो रहा है कि इसको बंद कर दिया जाए, बट मैं इसीलिए हो सकता है ये आखिरी हो सकता है. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 50-50 हजार 25 हजार के 2 चिप. और हमारे जगह पे समीर खेल रहे हैं हमारे साथ में. कम ऑन आपका क्या कहना है ब्रो इस कल्चरल इवेंट के बारे में? बड़ी खुशी हुई मेरे को, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है. गाइस एक अमेजिंग ट्रिप यहाँ पे हमारे 4 दिन की ग्राइंड अपन लोगों की. मैं सोया भी नहीं हूँ पिछले 2 दिन से, एवरेज 4 घंटे से ज्यादा. बट बहुत ही मजा आया एंड यू वोंट बिलीव. मैं आप लोगों को सबसे पहले खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारा जो टारगेट था 2 मिलियन का उसको हमने बीट कर लिया है और हम लोग नेट एग्रीगेट एज अ टीम प्लस 2.2 मिलियन पे हैं. और मेरा इसके अंदर ये ज्यादा रोल रहा कि मैं भाई जैसे बेन स्टोक्स ने एक आंसर रन बनाया तो जैक लीग जैसे नॉट आउट रहे, तो हमारा ये रोल रहा कि हम नॉट आउट रहे, हम नेगेटिव में नहीं गए. एंड हमारा जो एक्सपीरियंस कैश गेम प्लेयर है पोफंडर, उन्होंने दूसरे छोर से बहुत बढ़िया बैटिंग करी.